गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ साइंस, चैप्टर 3, विच इज़ पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन. आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं उसका नाम है पार्ट ऑफ प्लांट एंड देयर फंक्शन. मतलब जो प्लांट्स होते हैं, जो हम देखते हैं गार्डन्स में भी देखते हैं, उनके कौन कौन से पार्ट होते हैं और वो क्या क्या वर्क करते हैं. तो चलो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट इज़ प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी क्या होती है, जान होती है. जैसे हमारे अंदर होती है वैसे प्लांट्स के अंदर भी जान होती है. वी नीड एयर, वाटर, राइट. हमें भी बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं जो हमें सर्वाइवल के लिए चाहिए होती हैं, जैसे एयर, वाटर, मिनरल, सनशाइन और गुड केयर टू ग्रो. हमें बढ़ने के लिए गुड केयर भी चाहिए होती है. तो वैसे ही प्लांट्स को भी, अगर हम प्लांट्स का ध्यान नहीं रखेंगे तो प्लांट्स क्या होंगे, ख़राब हो जाएंगे ना. तो वैसे ही उन्हें भी एयर, वाटर, सनशाइन, ये सब कुछ चाहिए होता है और केयर भी चाहिए होती है. तो चलो आगे पढ़ते हैं. जैसे हमारी बॉडी है, वी हैव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी में अलग अलग पार्ट्स हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं और वो अलग अलग पार्ट्स अलग अलग वर्क करते हैं. जैसे हम हमारे हैंड्स को खाना खाने के लिए, कुछ सामान उठाने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही प्लांट्स में भी कई ऐसे पार्ट्स होते हैं जो उनके अलग अलग तरीके के लिए यूज़ आते हैं, डिफरेंट वर्क्स के लिए यूज़ आते हैं. तो अपने देखते हैं, आपको देखो यहाँ पे प्लांट का एक डायग्राम दिखा रखा है. इसके अंदर हम बात करेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट हम चलते हैं, ये हमारा जो ग्राउंड है. अब ग्राउंड के जो नीचे वाली जो एरिया होता है, जो नीचे वाले जो उसका पोर्शन होता है, उसको हम बोलते हैं रूट्स. ओके, जो पार्ट प्लांट का ग्राउंड के नीचे होता है, द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज़ बिलो द ग्राउंड इज कॉल्ड रूट ऑफ द प्लांट, उसे रूट बोलते हैं. और जो अबव होता है, जो उसके ऊपर होता है, जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, हम उसको बोलते हैं स्टेम, ट्रंक या फिर शूट. जब हम अगर ट्री की बात करते हैं तो हम उसको ट्रंक बोल देते हैं, जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो हम उसको स्टेम बोल देते हैं या फिर शूट भी बोल देते हैं. तो अब ऊपर चलते हैं. इससे जो स्टेम होता है उसके साथ में क्या अटैच होता है, लीव्स, ब्रांचेस एंड फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. ओके, तो जो स्टेम होती है वो क्या क्या बियर कर सकती है, लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स. ओके, सो जो लीव्स हैं उस इनको लीव्स कहते हैं, लीफ मैंने पत्तियाँ, फ्रूट्स मैंने जो हम फ्रूट्स खाते हैं वो सभी प्लांट पे उगते हैं इस तरह, तो इसको हम बोलते थे फ्रूट्स. उसके ऊपर अगर बात करें तो ये जो इससे अलग से ब्रांच निकली है उसको हम ब्रांच बोल देंगे, ये भी स्टेम के साथ में होगी. और इसके ऊपर जब जाएंगे तो ये फ्लावर्स हैं. फ्लावर्स देखे होंगे आप सभी ने कि प्लांट्स के साथ में फ्लावर्स लगे होते हैं, तो फ्लावर्स भी क्या है, स्टेम के साथ नहीं अटैच होते हैं. और बड क्या होता है, जब ये फ्लावर्स उगते हैं या फ्रूट्स उगते हैं तो ये बड्स बनते हैं, इनको हम बोल देते हैं बड्स. तो चलो अब आगे देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या है. तो पहले हम बात करेंगे कि रूट्स, रूट का फंक्शन का मतलब है यहाँ पे कि वो क्या क्या काम आते हैं हमारे लिए, कैसे कैसे यूज़ में आते हैं प्लांट्स के लिए. तो हम देखते हैं, इन्होंने लिखा हुआ है रूट्स कीप द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड. जो रूट होती है वो प्लांट को ज़मीन के साथ, यानी अर्थ के साथ, जो लैंड होती है उसके ग्राउंड के साथ में प्रॉपर अटैच रखती है, उसको जोड़ के रखती है. ओके, सो नेक्स्ट इज जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम रूट्स बोलते हैं. अब जो रूट्स होती है वो दो तरह की होती है. फर्स्ट रूट जो होती है वो होती है टैप रूट, और सेकंड जो होती है वो होती है फाइब्रस रूट. अब देखो आपको इन दोनों के एग्जांपल्स दिखा रखे हैं. अब जो ये टैप रूट है, टैप रूट में क्या होता है कि जो एक मेन रूट है, जो मेन रूट है वो बढ़ती रहती है, यानी जो मेन जो जड़ है वो आगे से आगे बढ़ती रहती है और बाकी उसका कोई ग्रोथ नहीं होता. लॉन्ग जो रूट है वो ग्रोथ में आती है. तो इसके टाइप्स कौन कौन से हैं, जो इसके अंदर जो प्लांट्स मिलते हैं वो होते हैं कॉटन प्लांट, पी प्लांट एंड बीन प्लांट. ऐसे और कई सारे प्लांट्स होते हैं जिनके अंदर टैप रूट होती है. अब बात करते हैं फाइब्रस रूट की. फाइब्रस रूट में क्या होता है बच्चों, देखिए जब ये प्लांट ग्रो करता है तो इसके अंदर क्या होता है, यहीं से ही ब्रांचेज हो जाती हैं, यहीं से ब्रांचिंग हो जाती है और सभी रूट्स जो होती है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होती है और इक्वल लेंथ की होती हैं, जिसके कारण ये फाइब्रस रूट बना देती है. और जो ऊपर वाला जो पार्ट है ये ग्रो करता रहता है. अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं हमारे पास में, जैसे ग्रास. ग्रास आपने देखा हो, ग्रास मैंने घास. ओके, सो ग्रास इज़ अ टाइप ऑफ
फाइबरस रूट, राइस जो है राइस भी फाइबरस रूट है जो हम राइस खाते हैं, और वीट माने कनक जो हम कनक देखते हैं वो भी फाइबरस रूट का टाइप है। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने आपको दिया फाइबरस रूट के बारे में और आपको टैप रूट के बारे में दिया जो अभी अपनों ने बताया और उनके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। अब नेक्स्ट देखो कि जो रूट्स होती हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये काम क्या आती हैं। तो इन्होंने बताया हुआ है कि रूट्स आर यूज्ड टू सक वाटर एंड मिनरल्स एंड सॉल्ट फ्रॉम द ग्राउंड। अब देखो जो यहाँ से जब अपने पानी देते हैं ग्राउंड में तो जो वाटर होता है, वाटर के अंदर कई सारे मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं और क्या होता है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं जो प्लांट्स के लिए हेल्पफुल होती हैं जैसे हमारे लिए होती हैं। तो वैसे जब वाटर इसके अंदर जाएगा तो रूट्स क्या करती हैं, वाटर को सक कर लेती हैं, मतलब चूस लेती हैं। तो वाटर को जब ये इसके अंदर ले जाएंगी, जब वाटर सक करेंगी तो वाटर यहाँ पे स्टेम में आ जाएगा और जो ये क्या करती हैं, ये स्टेम से अलग अलग एरिया में पहुँचा देती हैं। अब जैसे जो स्टेम्स के आगे जो अपनी ब्रांचेस बनी हैं उसके अंदर वाटर पहुँच जाता है और जिस जिसको जो जो मिनरल्स की ज़रूरत होती है वो वहीं वहीं पर चला जाता है। और कई बार क्या होता है कि जो ये स्टेम है या जो ट्रंक है उसके अंदर भी कुछ अमाउंट ऑफ फूड जो होता है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और डिपॉजिट होने के बाद में हमारे पास में वो क्या हो जाता है, फ्रूट बन जाता है या फिर खाने के लायक चीज़ें बन जाती हैं। अब जैसे देखिए इन्होंने दिया हुआ है कि रूट्स जो होती हैं, अब जो ये रूट्स होती हैं इनमें भी कई बार फूड डिपॉजिट हो जाता है, तो वो किस फॉर्म में हम खाते हैं, वो होता है कैरेट या फिर रेडिश, मतलब कैरेट माने गाजर, रेडिश, तो ये जो गाजर और मूली जो होती हैं ये क्या किसका टाइप है, रूट्स का टाइप है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ रूट। सो कई रूट्स में भी क्या स्टोर होता है, फूड स्टोर होता है। सो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे स्टेम की। तो बच्चों स्टेम क्या होता है, स्टेम होता है जो ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट होता है, हम उसको स्टेम बोल देते हैं। जैसे आप देखो इसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट जो है, इसमें भी ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेम बोल देते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है, जो स्टेम होती है वो बैकबोन ऑफ द प्लांट होती है। जैसे हमारी बैकबोन हमें क्या करती है, सीधा खड़ा रहने में हेल्प करती है, वैसे ही जो प्लांट होते हैं प्लांट की बैकबोन क्या होती है, स्टेम होती है जो उन्हें खड़ा रहने में हेल्प करती है। वो क्या करती है, उन्हें सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसके कारण वो क्या करते हैं, खड़े रह पाते हैं। अब स्टेम जो है वो क्या बियर करती है, बियर का मतलब होता है सहना, मतलब उसके साथ में वो किस किस का जो वेट है वो सहन कर रही है, लीफ स्टेम, सॉरी स्टेम तो है ही है, वो लीफ ब्रांच फ्रूट्स लीव्स और भी बहुत सारी चीज़ें जो प्लांट्स पे उगती हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, जो वो वेट जो सहन करती है, बियर करती है। ओके, यहाँ पे आपको दिया भी हुआ है तो आप उसमें से पढ़ सकते हो। और जो देखो जैसे कई जो स्टेम्स होते हैं वो थिक होते हैं, जैसे आपने बड़े बड़े पेड़ देखे होंगे है ना, जैसे ऐसे पेड़, तो इनके स्टेम जो क्या है, थिक है, मतलब काफ़ी मोटा है। अब आपने कई देखे होंगे जो बिल्कुल पतले पतले स्टेम होते हैं और वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, कि उसको अगर थोड़ा सा मोड़ो तो वो टूट जाते हैं। और कई जो होते हैं जिनका स्टेम क्या होता है, बहुत ही वीक होता है, जैसे आपने घर पे देखा होगा मनी प्लांट, मनी प्लांट देखो वो खुद नहीं चढ़ पाता, हमें उसको कोई सपोर्ट देना पड़ता है उसके बाद में वो ग्रो कर पाता है ना। तो आप ये अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो कि जब उसको थोड़ा सा अपने सपोर्ट देंगे वो तभी क्लाइम कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, उसका स्टेम क्या है, बहुत वीक है। तो अपने इसको आगे पढ़ते हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है कि कईयों का जो स्टेम होता है वो थिक एंड सॉफ्ट होता है, मतलब थिक तो होता है, मोटा तो होता है, पर वो सॉफ्ट होता है। जैसे अपने बनाना ट्री है तो वो क्या करता है, सिर्फ लीव्स को ही बियर कर पाता है, उसकी कोई ब्रांच नहीं होती बच्चों, ठीक है। तो आप देख लो कि कभी बनाना ट्री देखो कि उसकी ब्रांच नहीं होती है, वो सिर्फ लीव्स को बियर करती है उसकी स्टेम। ओके, तो अब नेक्स्ट देखो, हमने मनी प्लांट के बारे में पढ़ा कि वो सॉफ्ट होती है उसकी जो स्टेम होती है, और क्या होती है, ग्रीन होती है, जिसके कारण वो क्या है, खुद क्लाइम नहीं कर पाती है, बहुत सॉफ्ट होती है। ओके, सो नेक्स्ट इज इट कैन नॉट होल्ड द प्लांट, यही जो हमने अभी बताया कि वो क्या करती है, प्लांट को होल्ड नहीं कर पाती। अब देखो इसमें हमने तीन डायग्राम्स बना रखे हैं, इसमें जो क्या है, जो स्टेम है वो क्या है, हार्ड है और वुडी है, ठीक है, वुड वाली है। और जो नेक्स्ट में आप देखोगे ग्रीन और सॉफ्ट स्टेम है, जो स्टेम है वो सॉफ्ट है और वो ग्रीन है। आप अपनी बुक्स में भी देखोगे, यहाँ पे कलर नहीं पता चल रहा आपको, तो बुक्स में जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा। एंड नेक्स्ट देखो उसका स्टेम जो क्या है,
वीक है, उसके साथ में सिर्फ लीव्स लगी होती हैं, वो किसी के सपोर्ट से ही क्लाइंब कर पाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, जो प्लांट होता है वो क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करता है, सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है, किसके थ्रू अब्जॉर्ब करता है, रूट्स के थ्रू। जैसे हमने पिछली बार भी अभी पढ़ा ना कि प्लांट्स जो है वो रूट से सॉल्ट मिनरल्स और सब कुछ लेते हैं, और जब वो स्टेम में आ जाता है, जब मतलब यहाँ पे आ जाता है रूट से सक होके, तो उसके बाद में क्या है, जो रूट्स है वो क्या करती है, ट्रांसपोर्ट कर देती है उसे लीव्स तक, ब्रांचेस तक, फ्लावर्स तक, हर जगह पे वो ट्रांसपोर्ट कर देती है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद में जो प्लांट का फूड है वो कहाँ पे बनता है, प्लांट का फूड बनता है लीफ में। अब लीफ में फूड बनता है, फूड बनने के बाद में वो ट्रांसफ़र हो जाता है बाकी प्लांट्स में भी, क्योंकि अगर हमें एनर्जी चाहिए तो हमें फूड चाहिए होता है ना, तो वैसे ही प्लांट को भी सर्वाइव करने के लिए फूड चाहिए होता है। तो जो लीफ में फूड बनता है वो क्या ट्रांसफ़र हो जाता है अदर पार्ट्स में हो जाता है। इसका आपको डायग्राम दिखाया हुआ है, ये देखो, ये जो मिनरल वाटर है वो क्या है, ऊपर जा रहे हैं, ये देखो एरो लगा हुआ, ये ऊपर जा रहे हैं जैसे लीव्स में जाएंगे या फिर स्टेम में जाएंगे, है ना। और इधर से ये देखो, लीव से जो फूड बना है वो क्या ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, मतलब फूड्स गोइंग टू अदर पार्ट्स, मतलब वो दूसरे पार्ट्स में जा रहा है। वाटर और मिनरल ऊपर जा रहे हैं मतलब दूसरे पार्ट्स में, और जो फूड है वो भी प्रिपेयर होकर कहाँ पे जा रहा है, हर एक पार्ट में जा रहा है, ताकि हर एक पार्ट जो प्लांट का है वो सही रह सके। अब इन्होंने आगे क्या बोला है कि कई बार क्या होता है कि फूड जो एक्स्ट्रा बन जाता है वो एक्स्ट्रा फूड कहाँ पे स्टोर हो जाता है, स्टेम में ही स्टोर हो जाता है। तो स्टेम में स्टोर होने की वजह से वो क्या करता है, हम स्टेम फूड बना लेते हैं। जैसे कि अब देखो जिंजर है, जिंजर मैंने अदरक जिसकी आपको ये देखो फोटो बना के दी हुई है, डायग्राम बना के दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, जिंजर में क्या है, ये एक स्टेम है जिसके अंदर एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो गया और हम उसको क्या करते हैं, खाते हैं, है ना। अब देखो एग्जाम्पल देखो शुगर केन का, शुगर केन मतलब गन्ना, गन्ने में भी क्या होता है, जो उसका स्टेम है वही खाते हैं ना अपने, क्योंकि स्टेम में एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है, हम लीव्स नहीं खाते उसकी क्योंकि उसमें नहीं होता, और स्टेम में जो एक्स्ट्रा फूड स्टोर हो जाता है हम उसको खा लेते हैं। अब जैसे देखो पोटैटो, पोटैटो है वो भी एक, पोटैटो मतलब आलू, तो आलू में भी क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड जो है वो स्टोर हो जाता है जो अपने बाद में उसको खाते हैं। तो सब कुछ जो अपने खाते हैं, जैसे कि जो फूड स्टोर होता है प्लांट्स में, जहाँ जहाँ पे भी फूड स्टोर होता है हम उसको खाते हैं, है ना, खाते हैं ना। तो यही तुम्हें ऑब्जर्व करना है कि कौन सा प्लांट जो है वो सॉफ्ट है कौन सा नहीं है। तो ये आप अपने आसपास में गार्डन में जाइए, घर पे देखिए प्लांट्स लगे होंगे आपके, तो आपको ये सब चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और नोट करना है। ओके, सो अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे बात करेंगे कि लीफ का क्या रोल होता है और वो कैसे फूड बनाती है। ओके, सो थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे होम।